वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में जो कि यहाँ पे पोको X3 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको X3 और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन OS के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि वर्जन आता है 10.3.8 जो कि यहाँ पे आपको OnePlus 7T का आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो Android 10 मिल जाता है। 1 जनवरी का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन OS यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है जो कि फाइनली यहाँ पे पोको X3 के लिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, सभी के बारे में यहाँ पे मैं एक्चुअल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको गूगल और यहाँ पे OnePlus का कैमरा दोनों इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ जो कि एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 2,96,000 जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद नाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, पोर्ट्रेट कैमरा वीडियोस ले सकते हो जो कि 1080 पिक्सल, उसके बाद 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड में यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और स्लो मोशन का आपको यहाँ पे बेशक सपोर्ट नहीं मिलता है, स्लो मोशन का यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। पैनारामा, फोटोस्केप, टाइम लैप्स और यहाँ पे आपको लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है OnePlus का कैमरा मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको दोनों कैमरा इनबिल्ड आपको नहीं मिलता है, इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि दोनों कैमरा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो देख सकते हो। उसके बाद फोटो और यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रो मोड और उसके बाद यहाँ पे नाइट स्केप, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे प्रो मोड और उसके बाद यहाँ पे टाइमर, उसके बाद पैनारामा, स्लो मोशन का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे स्लो मोशन बेशक वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे आप बेशक जो है स्लो मोशन और यहाँ पे वीडियो सभी रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसके बाद सभी आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, कोई भी अगर मिसिंग लगता है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे 12 4G VoLTE बेशक यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे देख सकते हो VoLTE आपको यहाँ पे सपोर्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है जो कि यहाँ पे 12 4G VoLTE, उसके बाद वाईफाई हॉटस्पॉट्स यहाँ पे देख सकते हो, वाईफाई और यहाँ पे डेटा और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ और यहाँ पे हॉटस्पॉट्स सभी यहाँ पे वर्किंग है। वाईफाई और हॉटस्पॉट्स दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे वर्क हो रहा है, ब्लूटूथ भी यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस जो कि यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आप रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्लीप टाइम आपको 30 मिनट्स तक का मिल जाता है, वाइवेड नेचुरल यहाँ पे एडवांस आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिलता है जो कि यहाँ पे देख सकते हो 90 हर्ट्ज़, उसके बाद यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का आपको यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रेट मिल जाता है, 120 हर्ट्ज़ का आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है। नॉच यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉच को अगर यहाँ पे हाइट करना चाहते हो तो हाइट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे नॉच को एरिया को जो है यहाँ पे शो भी कर सकते हो। उसके बाद एप्स टू फुल स्क्रीन, उसके बाद यहाँ पे नाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है जो कि इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपने आंखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो। रीडिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है जो कि फुल्ली यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले आप रख सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे लिफ्ट अप टू चेक फोन आप देख सकते हो। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्टेटस बार जो कि यहाँ पे आप परसेंटेज को एनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे बैटरी परसेंटेज यहाँ पे बैटरी बार को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि ऑटो रोटेशन और यहाँ पे स्क्रीन सेवर। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ पे जो है वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद क्लॉक आप चेंज कर सकते हो जो कि यहाँ पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बटन्स, यहाँ पे ट्यून जो कि अगर आप यहाँ पे कलरफुल लाइट और यहाँ पे डार्क रखना चाहते हो तो डार्क भी रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं कलरफुल यहाँ पे एनेबल कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेप देख सकते हो जो कि यहाँ पे आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो, आइकॉन पैक चेंज कर सकते हो जो कि यहाँ पे OnePlus राउंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर में मिल जाता है, तो यहाँ पे आप बेशक OnePlus यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद कस्टमाइजेशन के बाद जो है साउंड वाइब्रेट, उसके बाद यहाँ पे बटन है जैक्सेस में, नेविगेशन बार एंड जैक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि अगर आपको यहाँ पे नेविगेशन बार यूज़ करना है तो नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हो, जैक्सेस यूज़ करना है तो जैक्सेस यूज़ कर सकते हो। क्विक जैक्सेस आप देख सकते हो, फ्लिप टू म्यूट, थ्री फिंगर टू टेक ए स्क्रीनशॉट, डबल टैप टू वेक। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि क्विक एक्टिवेट द असिस्टेंट ऐप, लॉन्ग प्रेस टू टेक अ फोटो। उसके बाद यहाँ पे ऐप्स और नोटिफिकेशन भी डिफॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है जो कि लॉक स्क्रीन और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में जो है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है, तो दोनों यहां पे मैं इनरोल करके टेस्ट करके बता देता हूं। तो यहां पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट इनरोल हो चुका है, तो यहां पे फर्स्ट फिंगरप्रिंट है। तो आपको प्रेस करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपको टच करना है, अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो जैसे कि यहां पे फेस अनलॉक,
यहाँ पे फेस अनलॉक बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क हो रहा है, जो कि यहाँ पे कंपैरिजन वाइज आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट, तो फेस अनलॉक बहुत ही ज़्यादा फास्ट यहाँ पे वर्क हो रहा है। और यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों वर्किंग है, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, हैपनिंग का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टाइम यहाँ पे मैं पबजी प्ले किया था, उसके बाद यहाँ पे स्टैंड बाई है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस। उसके बाद आपके यहाँ पे बैटरी का जो यहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि देख सकते हो बैटरी यूसेज, बैटरी सेवर का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जो है स्टोरेज अकाउंट, यहाँ पे डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। उसके बाद जो यूटिलिटीज़ में आपको यहाँ पे क्विक लॉन्च का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के लिए है। उसके बाद पैरेलल ऐप, जो कि यहाँ पे डुअल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऐप लॉकर, यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। उसके बाद क्विक रिप्ले, जो कि अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो देखते हो, अगर आपका यहाँ पे मैसेज आता है व्हाट्सअप से, आप वहाँ से ही रिप्ले कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि सिस्टम, सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे लैंग्वेज और यहाँ पे सिस्टम अपडेट चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अबाउट फोन में देख सकते हो, जो कि यहाँ पे OnePlus 7T का आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे Poco X3 के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है, तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे OnePlus OS जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा लाउडली आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों साइड के स्पीकर्स यहाँ पे बेशक वर्किंग है इसमें, तो जो कि इस रोम के साथ आपके यहाँ पे दोनों स्पीकर्स वर्किंग है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये भी वर्किंग है, ये भी आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग बता दूँ, जो कि यहाँ पे स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है, आपको यहाँ पे HD के साथ हाई का सपोर्ट मिल जाता है, अल्ट्रा एक्सट्रीम में आप यहाँ पे बेशक प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रीम में प्ले कर लेता हूँ। एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक्सट्रीम जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मूथ यहाँ पे गेम प्ले देखने को मिल जाता है।
in the lead. Is over and the blue team is in the lead. Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Expire! Killing spree for the blue team! तो यहाँ पे देख सकते हैं इस रोम का परफॉर्मेंस, जो कि आपको यहाँ पे 90 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो बेशक आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो, डिवाइस भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ हीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है आपको स्टीरियो स्पीकर की तरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो स्पीकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोनों स्पीकर से आपको यहाँ पे साउंड सुनने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आपको यहाँ पे गेम खेलने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे आपको ये रोम इंस्टॉल करना है, तो कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। यहाँ पे आपको कस्टम रोम में क्या होना, जो कि एक अच्छा बैटरी बैकअप, यहाँ पे आपको जो है अच्छा एक गेम प्ले होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपको सभी कस्टमाइजेशन मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे बेशक ये रोम के अंदर आपको सभी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्टेबिलिटी है, उसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो 17 मिनट्स का यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, जो कि बैटरी परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, जो कि यहाँ पे 51 था मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था, तो 17 मिनट्स हो चुका है। तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम जो कि देख सकते हो 17 मिनट्स में यहाँ पे 5% डिक्रीज़ हुआ है, जो कि एक एक्सट्रीम यहाँ पे मैं गेम प्ले कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे फुल ब्राइटनेस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि यहाँ पे पोको X3 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।